हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभणी, महाराष्ट्र, इंडिया। सो टुडे वी विल डिस्कस द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट दैट स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 339 टू सेक्शन 342 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 339 से लेकर सेक्शन 342, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का ऑफेंस, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ऑफेंस, साथ ही साथ हम इस दोनों ऑफेंस की पनिशमेंट भी आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इन सेक्शंस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इन सेक्शंस पर पूछ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। wrongful restraint and wrongful confinement, section 339 to 342. So section 339 deals with the concept of wrongful restraint. So whoever voluntarily obstruct any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed. Suppose if any person who is having a right to proceed in any direction, and if someone else has wrongfully obstructed that person, and to prevent that person from proceeding in that particular direction, so that person will be held responsible for the offense of wrongful restraint. सपोज अगर मैं एक पर्सन हूं और मेरा एक डायरेक्शन में जाना, एक रास्ते से जाना अगर मेरा राइट है, वो मेरा राइट है, और अगर कोई पर्सन मुझे रास्ते में रोकता है और मुझे आगे बढ़ने से रोकता है, वॉलंटरीली ऑब्स्ट्रक्ट करता है मुझे और उस डायरेक्शन में मुझे जाने नहीं देता है, जिसके वजह से मुझे वापस आना पड़ता है, तो जिस पर्सन ने भी मुझे रोका उस पर्सन ने रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का ऑफेंस किया है। सो हुएवर prevent the other person, whoever voluntarily obstruct any person so as to prevent him to proceed in a particular direction in which that person is having a right to proceed, तो उस direction में जाने का उस person का अधिकार है और दूसरा person उसको voluntarily obstruct कर रहा है, उसको आगे जाने नहीं दे रहा है, तो such person has committed, is said wrongfully to restrain that person, तो उस person ने wrongful restraint का offense किया है। So exception is that the obstruction of a private way over land or water which a person in good faith believes himself to have a lawful right to obstruct is not an offense within the meaning of this section. So obstruction of a private way over land or water which a person in good faith, तो एखादा obstruction है जो private रास्ते का है या private land या water से related है और person good faith में है ना, रॉन्गफुल इंटेंशन के साथ नहीं, गुड फेथ में ये समझता है कि उसका लॉफुल राइट है किसी को रोकने का और वो रोकता है, तो उसने इस सेक्शन में ऑफेंस नहीं किया ऐसा ट्रीट होगा, उसने रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का ऑफेंस नहीं किया ऐसा ट्रीट होगा। सो देयर इज एन एग्जांपल, ए ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पाथ अलोंग विच जेड हैज अ राइट टू पास, तो यहां पर ए ने जेड का रास्ता रोका जो कि जेड का राइट था वो रास्ते से जाना। ए नॉट बिलीविंग इन गुड फेथ दैट ही हैज अ राइट टू स्टॉप द पाथ, जेड इज देयर बाय प्रिवेंटेड फ्रॉम पासिंग, ए रॉन्गफुली रिस्ट्रेंड जेड, तो यहां पर ए ने गुड फेथ में ये समझ के कि उसका राइट, उसका रास्ता रोकने का उसका राइट है ऐसा उसने नहीं समझा, वॉलंटरीली उसने क्या किया, ए ने जेड का रास्ता रोका और जेड को उस रास्ते से जाने से रोका उसने और जेड वहां से जा नहीं सका, तो ए रॉन्गफुली रिस्ट्रेंड जेड, तो ए ने क्या किया, ए ने जेड के अगेंस्ट में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंड का ऑफेंस किया है। तो इन शॉर्ट, अगर मैं आपका रास्ता रोकता हूं, आपका रास्ता यूज करने का आपका राइट है और मैं आपको वॉलंटरीली ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हूं, अगर मैं गुड फेथ में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हूं तो बात अलग है, वॉलंटरीली ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हूं मैं आपको जिसके वजह से आप वो रास्ता यूज नहीं कर सके, तो मैं रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के ऑफेंस के लिए लायबल रहूंगा। प्रोबेबल क्वेश्चन है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट पे, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट मीन्स प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग एनी डायरेक्शन, प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट, बोथ ऑफ द अबो, नन ऑफ द अबो। तो अगर हम देखें
तो प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन, सॉरी, तो यहां पर देखिए कि हुएवर वॉलंटरली अब्स्ट्रक्ट एनी पर्सन सो एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन इन विच दैट पर्सन हैज अ राइट टू प्रोसीड, तो यहां पर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन. Now section 340, wrongful confinement. What is mean by wrongful confinement? So whoever wrongfully restrained any person in such a manner has to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limit. So if a one person wrongfully restrained any other person in such a manner has to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limit. तो अगर कोई person किसी को wrongfully है ना रॉन्गफुल इंटेंशन के साथ उसको रोकता है और वो रोकता इस तरीके से है कि वो जो पर्सन है वो एक पर्टिकुलर सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट के बाहर नहीं जा सकता, प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट. फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को किसी रूम में बंद कर दिए, उसको रोक दिए रूम में बंद करके, तो सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट जो रूम की लिमिट है उससे बाहर उसको निकलने नहीं दिया जा रहा है, तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ऑफेंस हो गया ये. फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग में अगर उसको बंद कर दिए तो दैट विल बी द सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट. एक बड़ा ग्राउंड है, अगर फॉर एग्जाम्पल भले ही वो ग्राउंड खुला ग्राउंड है लेकिन अगर किसी पर्सन को मैंने धमकी दिया कि तू ग्राउंड के बाहर अगर निकलेगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, तो इस सिचुएशन में अगर वो ग्राउंड में ही रुकता है पर्सन, तो मैंने क्या किया, उसको एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट से बाहर निकलने नहीं दिया मैंने, उसको रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करके ही रखा मैंने, तो आई विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल confinement. So there is not a certain limit of circumscribing limit. Circumscribing limit की कोई limit नहीं है, मतलब एक room भी circumscribing limit में आएगा, एक building भी circumscribing limit में आएगी, एक particular area भी circumscribing limit में आ सकता है, एक particular गांव भी circumscribing limit में आ सकता है. अगर मैं किसी person को ये कहूं कि तू इस शहर से अगर बाहर निकला तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, और वो ये डर से शहर के बाहर नहीं निकला, तो मैंने क्या किया, उसको आई रॉन्गफुली रिस्ट्रेन दैट पर्सन इन सच अ मैनर एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड अ सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट, तो मैंने उसको रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करके रखा उस शहर में, उसको बाहर निकलने नहीं दिया मैंने, तो आई विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. सो ही सेड रॉन्गफुली टू कन्फाइन दैट पर्सन. ए प्लेस places men with firearms at the outlet of a building and tells Z that they will fire at Z if Z attempts to leave the building. A wrongfully confines Z. तो ये ने क्या किया, एक person को firearm लेके building के बाहर खड़ा किया और Z से ये कहा कि अगर तूने अगर building के बाहर निकलने की कोशिश किया तो ये जिसके हाथ में gun है वो तुझे shoot कर देगा. तो A wrongfully confines Z. ये ने क्या किया, Z को एक building में बंद किया और एक बंदूक वाला आदमी बाहर खड़े किया और उससे कहा जेड को कि देख अगर तू बाहर निकला इस बिल्डिंग के तो ये तुझे गोली मार देगा. तो इन्हें कौन सा ऑफेंस किया, इन्हें रॉन्गफुली कन्फाइन किया जेड को. उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, फॉर द पर्पज ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट देयर मस्ट बी सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट ऑफ एनी काइंड विच मे बी लार्ज और नैरो बाउंड्री, विजिबल और टेंजिबल एरिया, मूवेबल और फिक्स टेरिटरी, ऑल ऑफ द अबो. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबो. तो लार्ज और नैरो बाउंड्री भी हो सकती है, जैसा मैंने बोला कि एक रूम भी हो सकता है और एक पूरा शहर भी हो सकता है. विजिबल और टेंजिबल एरिया, विजिबल एरिया भी हो सकता है. मूवेबल और फिक्स टेरिटरी, मूवेबल टेरिटरी भी हो सकती है. तो ये ऑल ऑफ द अबो इज द करेक्ट ऑप्शन. मध्य प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, अ पुलिस ऑफिसर डिटेन अ पर्सन इन द लॉकअप डिस्पाइट प्रोडक्शन ऑफ अ बेल ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट, द पुलिस ऑफिसर इज गिल्टी ऑफ. तो पुलिस ऑफिसर ने कि एक पर्सन को लॉकअप में बंद बना के रखा उसका बेल ऑर्डर आने के बाद भी, तो पुलिस ऑफिसर ने कौन से ऑफेंस के लिए गिल्टी रहेगा, अबडक्शन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल रेस्टेंट, किडनेपिंग. सो पुलिस ऑफिसर विल बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. नाउ पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रेस्टेंट, तो अगर कोई रॉन्गफुल रेस्टेंट का ऑफेंस करता है, किसी का रास्ता रोकता है, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी. सो whoever voluntarily restrained any person shall be punished with simple imprisonment which may extend to 1 month or with fine which may extend to 500 rupees or with both. So wrongful restraint ka jo bhi offense karega aise person ko 1 mahine tak ki saza
₹500 तक का फाइन या दोनों भी हो सकता है। और पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट सेक्शन 342, Whoever voluntarily confines any person shall be punished with imprisonment which may extend to 1 year or with fine which may extend to 1000 rupees or with both. तो wrongful confinement का जो offence करेगा, किसी को रूम में बंद करके रखेगा, तो ऐसे person को 1 साल तक की सजा, 1000 रुपये तक का फाइन या दोनों भी हो सकता है। सेक्शन 342 मध्य प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन 2018 में इन विच One of the following section of Indian Penal Code 1860 punishment for wrongful confinement is provided. So section 342 is the correct option. So here we conclude the topic of wrongful restraint and wrongful confinement. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you. Thank you very much.